दीदी चौक बना रही हैं, जिसके ऊपर स्टूल रखेगा फिर मैं खड़ा होऊंगा, फिर मेरी पूजा होगी। तो ये देखिए भगवान के आगे। तो नुपु दीदी आ गए, देखिए कुर्ता पजामा काला काला, सॉरी गोरा गोरा। और नुपु दीदी हाय हाय। अभी तक इस लड़की ने मुझे बर्थडे गिफ्ट वो विश नहीं करा है। रात के 12 सबसे पहले हमें किए थे। गाइड 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 ना बोलो। कोई इंसान अगर सो रहा हो तो अगर कोई उसको बोला जाए तो उसको सुनाई देगा कि नहीं देगा? और अब तुम्हारी गलती, तुम्हें जगना चाहिए था, तुम्हारा बर्थडे है। अच्छा तुम्हें जगना चाहिए था। चलो जल्दी जल्दी बोलो क्या बोले। हैप्पी बर्थडे नहीं बोले, क्या बोले मेरा मन। ओके चलो बनाओ। नुपुर एंड वेलकम टू माय चैनल एंड व्लॉग नुपुर। सो फ्रेंड्स आज जो है वो है 7 सितंबर, मेरे भाई का मतलब ब्लॉगर कार्तिक का बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे, तुमने कहा हमने विश नहीं किया तो अब हम सबके सामने ऑडियंस के सामने विश कर रहे हैं तुमको। थैंक यू। और तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट जो है वो हम बहुत जल्दी तुम्हें देंगे, ठीक है? सो फ्रेंड्स आज बर्थडे है तो घर में बुआ भी आई हुई है, आप तो मेरे ब्लॉग में देख ही चुके हैं। और अभी जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, ना ही लगेंगे पूरे ब्लॉग में, क्योंकि घर में काम है तो हम थोड़ा सा ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि घर में जो फंक्शन होता है कुछ भी होता है तो हम एकदम पूरे काम वाली बाय नहीं होती है, वैसे लगने लगते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे लुक को माइंड मत करिएगा और खैर दिखाते हैं क्या क्या तैयारी है। अच्छा भैया बताओ तुम्हें गिफ्ट में चाहिए क्या? मुझे तो बहुत चीज़ें चाहिए, बस लिस्ट बना के दूंगा तुम्हें। इतना दे पाएंगे लिस्ट वाली चीजें? हाँ चलो कोशिश करते हैं भाई, अपना भाई है यार ये। चलो फ्रेंड्स हम मम्मी से मिलवाते हैं, मम्मी से पूछते हैं कि उन्होंने खाने में क्या क्या बनाया है। मम्मी बताओ खाने में क्या क्या बनाया है भाई बर्थडे? बताओ भाई। चाची बताइए खाने में क्या बना? पनीर की सब्जी बनी है, छोले बने, पूड़िया बनी है और पूड़ी चावल बनने जा रहे हैं। वाह भाई वाह, मुंह में पानी आ रहा है। तो खाना तो बहुत बढ़िया बढ़िया है। हेलो गाइस खाना कैसा लगा? और देख रहे पीछे पापा जो हैं बातें कर रहे हैं, भैया से आशु भैया हैं आए हुए हैं। तो चलिए बुआ से मिलवाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स हमारी बुआ जी भी आई हुई हैं। बुआ जी हाय। बुआ जी का तबीयत खराब है। बुआ जी का है तबीयत खराब है, बुआ ने वैक्सीन लगवाई है तो उनकी तबीयत खराब हो गई। तो फ्रेंड्स देखिए वैक्सीन के साथ क्या, वैक्सीन लगवाने से क्या हो रहा है, बुखार आ रहा है। और हमारी चिंकी कहाँ है बुआ जी? चिंकी घर पे है तो आज नहीं आई है वो। बुआ कहते हैं उसको खाना नहीं डाला। हमारी अम्मा बैठी हैं और ये भैया ले फंसर गए हैं और ये गोलू महाराज है। हाय बोलो। और इनके लग गई पैरों में चोट तो बेचारे घायल हैं इस टाइम। पापा बैठे इधर। तो फ्रेंड्स आप ये जो देख रहे हो ये जो है ये इसको हमारे कहते हैं गुलगुले। तो ये जो है मीठे मीठे होते हैं जो कि प्रसाद में मतलब भैया को खिलाए जाएंगे दूध के साथ। और हमारे यहाँ जो है पूजा होती है तो भाई बर्थडे से पहले तो उसमें ये भैया को खिलाए जाएंगे। सो फ्रेंड्स हमारे यहाँ जो है एक पारंपरिक बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब केक कटिंग के अलावा ये जो भाई ट्रेडिशनल बर्थडे से कहेंगे। तो इसमें क्या होता है भैया जो मतलब जिसका भी बर्थडे है लड़के का, स्पेशली लड़के का, गर्ल्स का नहीं होता हमारे यहाँ। तो लड़के का जो अगर बर्थडे है तो उसको उसकी हाइट मेजर करी जाएगी धागे से और फिर उसको मतलब जितना जितना हर साल बढ़ा है तो वहाँ पे नॉट लगा बांध देंगे और फिर उसकी पूजा होगी। और मतलब उसको ये जो दिखाया मैंने गुलगुले ये खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। और ये जो रस्म है ये तब तक होती है जब तक उसकी लड़के की शादी नहीं जाती। और जब शादी के बाद जिसका पहला बर्थडे पड़ता है तब वो बर्थडे जो है मतलब उठा दिया जाता है। उठाने का मतलब है कि उसका बर्थडे जो है फिर ख़त्म हो जाता है, मतलब उसके बाद से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। तो ये जो रस्म है ये हमारे यहाँ होती है। तो वही चीज़ भैया की भी अभी होगी तो हम भी आपको पूरे ब्लॉग में दिखाएंगे। और आपको मेरे पीछे से बहुत सा शोर शराबा सुनाई दे रहा होगा क्योंकि घर में भैया जो है परेशान कर रहे हैं, ये कपड़े बदल रहे हैं, मतलब कुर्ते के ऊपर ही शर्ट पहन ली है। वाह क्या नया फैशन है। ट्राई कर रहा हूँ मैं, तेरा पूरा दिखाना। तो ये देखो गाइस कुर्ते के ऊपर पैंट शर्ट।
अनोखा भजन, बॉडी तुम्हारी है भी हड्डियाँ हैं हड्डियाँ। तो फ्रेंड्स स्पीच पीछे के जो साउंड है जो भी है उसको इग्नोर करिए क्योंकि घर वाला व्लॉग है ये, तो प्लीज़ आपको ये सब सहना पड़ेगा। और आज हम बिल्कुल काम वाली बाई लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे भी लुक को माइंड होते क्योंकि हम तैयार होने वाले नहीं हैं, गर्मी बहुत है। और देखिए बाप मेरे चाय के लिए कह रहे हैं, हम जा रहे चाय पाने अब। हाँ भैया तुम कैमरे सारे कपड़े बदल रहे हो, दिख रहे हो। तो भैया इस टाइम जो है कि कपड़े बदल रहे हैं, पर ट्राई करें, मम्मी परेशान हो रही है इनसे। तो देखो डिसाइड हो रहा है क्या पहनना, नखरे देखो बर्थडे है तो मतलब नखरे दिखाएंगे पूरा फुल ऑन, ये नहीं वो नहीं पहनना है, मेकअप भी कर लो थोड़ा सा, फाउंडेशन वगैरह लगा लो। और फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पे चौक रखी है, इसको इसके ऊपर अभी वो क्या कहते हैं पटली पड़ेगी, फिर ये भैया यहाँ पे खड़ा होगा, फिर पूजा होगी। और हमारे कान्हा जी सुंदर सुंदर से और ये देखिए मेरी चाची पानी दिखानी है फ्राई पैन में, मतलब फ्राई पैन में पानी दिखाने का मतलब है इसमें चाय बनने जा रही है, और बुआ मना कर रही है चाय बनाने को, बुआ नहीं पियेंगी पापा पियेंगे, तो इतनी चाय कौन पिएगा, थोड़ा सा कम करो, कम करो मुश्किल से दो कप बनाओ अम्मा की पापा की बस। सो फ्रेंड्स ये देखिए पैंट अपनी बांध ही नहीं पा रहे हैं, मम्मी इनकी मदद कर रही हैं, मतलब ये देखो ये तो ना बड़ा हो गया लड़का, ये मम्मी इनकी मदद कर रही हैं, ये देखो हम कैमरा मैन है हमारे। सो फ्रेंड्स देखिए ये पागल लड़का फिर से जीन्स बदल रहा है। सो फ्रेंड्स भैया की वो जीन्स जो ब्लैक वाली वो मैच नहीं कर रही थी, तो फिर से जीन्स बदल के इसने ये वाली जीन्स पहनी है, तो मतलब इसके नखरे इतने हैं, इतने तो हम लोग नहीं करते सच में, हम भाई जो पहने सुबह वही पहने हैं। आई एम अ डेविल, हाँ इट्स माय डे, कुछ भी। सो फ्रेंड्स चलिए आपको दिखाते हैं कि आज के मतलब बर्थडे में खाने में क्या क्या बना है, वैसे चाची तो बता चुकी है लेकिन चलिए आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं किचन में और देखते हैं मम्मी खाने में क्या बना है, मतलब दिखा दो क्या क्या है, दिख मेरा कोरे आलू, वाओ आए हैं पनीर, पनीर छोले छोले वो पनीर है वो, देखिए फ्रेंड्स मतलब क्या लजीज खाना है। मम्मी प्यार बहुत भूख लग रही है, अब जल्दी जल्दी पूजा कराओ, जब मोदी आ गए तो मतलब मेरी बहन का इंतजार हो रहा है, उसका बर्थडे हुआ ना मेरी बर्थडे। गाइस घर में खाना बना है और हमारी ब्लॉगर नुपुर खा रही हैं बिस्किट, कहती रखिए बिस्किट खा रही हैं बिगाड़। और गाइस मैंने गिफ्ट तक की नहीं लाई है, देखो हम भूल गए, मैं बोले नहीं थे टाइम नहीं मिला, अब स्कूल में टाइम निकल जाता है, शाम को आए तो कहाँ कैसे लाते हैं। और गाइस मौली दीदी का वेट हो रहा है क्योंकि वो अभी तक आई नहीं है, क्योंकि गाइस मेरी कोचिंग का टाइम है 4:30 से 5:30, मैं तो 6 बजे तक ही घर पे आ जाता हूँ, और मौली दीदी का है 6:30 से 5:30 से 6:30 बजे, और वो आती है 7 बजे तक की, तभी गाइस उनका वेट हो रहा है, 7 बज चुके हैं तब आई नहीं है, बदबू आ जाए फिर मेरे रुचना लगेगा, दूध पिलाया जाएगा, डोरी नापी जाए कितने बड़े हुए, और गाइस फिर खाएंगे हम लोग खाना। सो फ्रेंड्स हमारे यहाँ ये मशीन आई है मच्छर मारने वाली, पर इससे कोई लाभ नहीं होता हम लोगों को, ये सिर्फ दिखावे के लिए, और इसमें सिर्फ केरोसिन ऑयल की महक आ रही है और कुछ नहीं, बस धुआं धुआं हो गया पूरी गली में, देखो तो दिख ही नहीं रहा। मम्मी बुला रही पूजा करने के लिए, और ये धुआं बहुत आ रहा है, चल रहा चाहिए अंदर आनंद है बस।
इंस से कि कितना धुआं धुआं हो गया पूरे घर में। कार्तिक हमारे बहुत अच्छी लग रही है इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बुआ पूजा चालू कर चुकी है। मैं होश नहीं रहता रुमाल का, पूजा तुम्हारी हो रही है। तो अब भैया की पूजा होगी जो होती है ट्रेडिशनल वाली हमारे यहाँ। इस थ्रेड से इसकी हाइट नापी जाएगी। हे भगवान, ये खाली दूध नहीं पियेंगे, इनको बूस्ट मिलाना पड़ेगा। ये जेवड़े नखरे बाजी ये देखो भाई राजा महाराजा। अब इनकी धागे से हाइट में चल जाएगी। अंगूठे में फंसा लो से। हाँ दबाओ उंगली से बीच में करो। हाँ ऐसे ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख ये घंटी किधर है जो बड़ा है ना। एक तीन है हाँ, ये क्या भैया तो छोटे हो। छोटी हो गई। नहीं 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 हाँ आप थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। ये देखो एक नॉट ये बंदी है, ये अरे गिर गया नीचे। मतलब ये नॉट ये है इसके ऊपर कितनी ये जा रही है भाजी। बकर ये बांधिए, ये इतनी है, इतने बड़े हो बस। तो ये जो धागा इनके बचपन का है, मतलब जब से ये उसका फर्स्ट बर्थडे था तो उसमें सबकी नॉट बंदी है, जो बर्थडे पढ़ते गए अब तक के। नहीं लड़कियों का नहीं होता ये, सिर्फ बॉयज का बर्थडे होता है ऐसा ट्रेडिशनल बर्थडे। और ये बर्थडे तब ख़त्म होगा जब इनकी शादी होगी। शादी के बाद जो पहला बर्थडे पड़ेगा तब इनका बर्थडे इसका ख़त्म कर दिया जाएगा, ये जो रिवाज है ख़त्म कर दिया जाएगा। बुआ जी गिन रहे साल के हो गए भाई बच्चू। नहीं घंटी लग गई। हाँ लग गई। मतलब तेरा बार एकदम बढ़ गया। उठाओ बुआ को, पापा हाथ लगा लो। पापा हमारे अब दे रहे रक्षाबंधन का गिफ्ट बुआ जी को। रक्षाबंधन कब था और अब दे रहे हैं। बुआ जी आई नहीं पाई थी तो अब मिल रहा है बुआ जी का गिफ्ट। सो फ्रेंड्स अब मेरी चाची कर रही हैं रुचना, लगा दो। गोल्ड
खुशी देखो, खुशी देखो चेहरे पे, बोले कि चुमा रहे हो गया। ये देखिए ये मेरे दोनों स्टूडेंट्स हैं, इनको हम पढ़ाते हैं। आप लोग इनको देख चुके हो व्लॉग में मेरे। मम्मी बता रही हैं बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा हुआ, तुम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, कार्तिक का पूजा हो रही है। हाय बोलो। मेरा कोई फ्रेंड नहीं आया, मेरे हैं, मेरे जितने भी ऑडियंस है ये मेरी फ्रेंड है। देखिए खाना चालू हो चुका है, शहाब खाने भी लगे हैं और हम बुआ भी इधर खा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। और फ्रेंड्स देखिए अम्मा गोलू बुआ जी लोग खाना खा रही हैं। सो फ्रेंड्स देखिए ये ब्लॉगर कार्तिक का खाना, इसने आलू निकलवा दिए। बस बताओ खाना कैसा है वो देखिए। मतलब मेरी बहन इतनी बड़ी गद्दार है, ट्राईपोड मेरा यूज़ कर रही है अपनी पिक्चर देखने के लिए, फिल्म देखी आ रही है। सुनाई दे गया। देखिए ब्लॉगर कार्तिक मतलब जी 15 साल के हो गया, अभी भी मम्मी से ही अपने कपड़े उतरवा रहे हैं। सो फ्रेंड्स मेरी बुआ जी जा रही हैं, बर्थडे डे हो चुका है भैया का, तो बाय बाय बुआ जी। बाय 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 बाय। वैसे हमेशा गोलू स्कूटी लेके आता है बट पैर में चोट के कारण बेचारा। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये पूरा आज का बर्थडे व्लॉग? और आज हम लोग बहुत थक गए। और भैया आप तुमको कैसा लगा तुम आज का बर्थडे? मेरे को बहुत अच्छा लगा मेरा बर्थडे और बहुत मज़ा आया, लॉट ऑफ इंजॉय हम लोग ने किया। तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तुम्हारा टीका फैल गया और मैंने ऐसे पूछा गाइस तो मेरे हाथ पे भी लग गया था। और गाइस कमेंट करना कि आज मैं कैसा लग रहा था ये सब। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये एकदम सिंपल सा और ये ट्रेडिशनल बर्थडे सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसके यहाँ इस टाइप का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब ऐसे धागे वाला, तो मुझे वो भी कमेंट से बताइएगा। और फ्रेंड्स बस हम एंड में यही कहेंगे कि मेरे भाई का भी यूट्यूब चैनल है ब्लॉगर कार्तिक, तो प्लीज़ इसके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग, जिसमें मेरे वीडियो के बिहाइंड द सीन भी देखने को आपको मिल जाते हैं। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो करें। और एंड में यही कहेंगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब गाइस मेरे को नींद आ रही है क्योंकि अब मेरा बर्थडे ख़त्म हो गया, मैं सोऊंगा आराम से। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।